हेलो दोस्तों, आज हम ओपनिंग वीडियो कर रहे हैं रेली वुल्फ के ट्रिमर का। दोस्तों, ये रेली वुल्फ का जो ट्रिमर है, इसे मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है। ऑनलाइन ये अवेलेबल था या नहीं था, मैंने चेक भी नहीं किया। एक्चुअली मैं इनको कंपनी का ये ट्रिमर ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे मिलने को तैयारी नहीं था, वो मिल ही नहीं रहा था कहीं पर भी। और जो ऑनलाइन मिल रहा था, वो ऑनलाइन जो था उसके जो रिव्यू थे, उसके जो फीडबैक लोगों ने दिए थे, एक ही था। उसमें उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पांस दिया था उस चीज़ का। वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं था कि उसे ख़रीदा जाए, उसको ख़रीदने का रिस्क लिया जाए। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको ऑफलाइन ही परचेज़ करूँगा। लेकिन जब मैं इसको ऑनलाइन ढूंढने के लिए निकला, तो मुझे वो कहीं पर भी किसी भी शॉप पर नहीं मिला। यहाँ तक कि उस शॉप पर भी नहीं मिला जिस शॉप पर इनको कंपनी के सारे टूल, सारी रेंज अवेलेबल थी। तो यही सोचकर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी और कंपनी का चीप एंड बेस्ट एक ट्रिमर ख़रीद लूँ, जो अच्छा हो, परफॉर्मेंस में अच्छा हो, लुक वाइज अच्छा हो। और तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं अपने एक विश्वास पात्र मेरे दोस्त हैं, तो उनसे उनके पास गया। मैंने उनसे सलाह ली कि भाई, मुझे अगर इनको कंपनी का नहीं मिल रहा है, तो मुझे कौन सा ट्रिमर लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक कंपनी है रेली वुल्फ, आप उस कंपनी का ट्रिमर ले लीजिए। ये ओरिजिन जो है इसका, वो है यूके का, और कोलोब्रेशन एक इंडियन कंपनी के साथ करते हैं। तो वुल्फ जो कंपनी है, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है। 1952 या जब से एग्जिस्ट कर रही है ये कंपनी, यानी कि ये कंपनी इतनी पुरानी है कि जो आज की तारीख में जो टूल्स आपको देखने को, पावर टूल्स मिल रहे हैं, ये टूल्स उस ज़माने में पैदा भी नहीं हुए थे। मतलब जानता भी नहीं था, ये कंपनियाँ भी नहीं थी। तो जब से ये कंपनी पूरी दुनिया के अंदर अपने पावर टूल्स और ये कृषि के इक्विपमेंट वगैरह बनाती रही है, तो यही देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रेली वुल्फ का ही ट्रिमर खरीद लूँ। तो आज इसी का हम ओपनिंग वीडियो करने वाले हैं। तो चलिए हम इसका ओपनिंग वीडियो करते हैं, आपको दिखाते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है और जो इसमें सामान है वो किस क्वालिटी का है। ठीक है, तो दोस्तों ये बॉक्स है जिसके अंदर वो रेली वुल्फ का ट्रिमर अवेलेबल है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से अंदर का व्यू होता है, जिसमें सबसे पहले वही इसकी ज्ञानवर्धक बुक्स होती है, जिसमें इसके सर्विस सेंटर और हाउ टू यूज़ समथिंग समथिंग लिखा हुआ होता है। तो इसको साथ में साइड में रख देते हैं। उसके बाद में एक ये इसके साथ में लगने वाले अटैचमेंट्स वगैरह और ये चाबी वगैरह इसमें हैं, वो सब मिलती हैं, इसको भी साथ में रख देते हैं। उसके बाद में तो दोस्तों ये 8 mm की 6 बिट हैं, इनको मैंने सेपरेटली परचेज़ किया है। इस ट्रिमर के साथ मुझे ये नहीं मिली हैं। मैंने ये 560 रुपये में ये 6 8 mm के बिट्स परचेज़ कर लिए। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर निकलता है इसका मेन पार्ट, जो कि है ट्रिमर। दोस्तों ये है ट्रिमर, रेली वुल्फ कंपनी का ये ट्रिमर है। इसका मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट कर चुका हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने दिखाया था जब मैं नया नया लेके आया था, उसके बाद मैंने एक टाइप प्रोजेक्ट पे इसको यूज़ भी किया है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये इसका ऊपर ऑन ऑफ का स्विच है। इसके बाद में ये इसका बेस है, प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट बेस है। इसको थोड़ा सा लूज कर कर आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रेली वुल्फ कंपनी का ट्रिमर है, छोटा सा है, हैंडी है ये। तो दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छे से काम करता है। ये 600 वाट का है और 30,000 RPM पर इसका जो ये मोटर है वो रन करती है, यानी कि बहुत स्मूथ काम करने के लिए जितने मैक्सिमम RPM हो उस चीज़ में उतना अच्छा होता है। तो उसके 30,000 RPM है। इसके साथ आप डिब्बे में देखेंगे कि हमें क्या क्या फ्री मिलता है। तो इसके साथ हमें जो मिलता है, 1 पेयर कार्बन ब्रश मिलता है जो उसके अंदर है, एक 6 mm का चक मिलता है, एक 6.35 mm का चक मिलता है, एक 8 mm का चक मिलता है। चक वो होता है, एक छोटा सा वाशर टाइप का होता है जिसमें ये बिट वगैरह अटैच किए जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये वो चक हैं जिसको लगाने के बाद आप इसमें 6 mm, 6.35 mm एंड 8 mm के चक को इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। तो ये चक होते हैं, तो ये जो चक है ये 6 mm का है, ये जो चक है ये 8 mm का है। तो अगर मुझे 8 mm का बिट लगाना है इसमें, तो मुझे इस मशीन में से, और जो तीसरा बिट है, जो सॉरी तीसरा जो चक है वो इसके अंदर फिट आता है यहाँ पर, तो
तो चलिए मैं दिखाता हूँ वो कैसा होता है और कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसके आगे का ये ट्रांसपेरेंट गार्ड हटा देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये आता है, तो इसको खोलने के लिए आपको दो ये चाबियाँ दी गई हैं। एक चाबी आप यहाँ लगाएंगे और एक चाबी को आप यहाँ लगाएंगे, इस तरीके से खुल जाएगा। जब ये आप इसे खोलेंगे, इस वाले बोल्ट को खोलेंगे, तो इसके अंदर ये देखिए, ये 6.35 mm का चक इसके साथ में लगा हुआ आता है। दो स्पेयर में होते हैं, एक इसके अंदर फिट होता है। तो दोस्तों जो हमें बिट मिले हैं ये 8 mm नहीं है, ये मैंने अभी चेक किया, ये 6.35 mm के ये बिट्स हैं। तो मुझे इस रूटर और ट्रिमर के साथ में जो तीन जो चक मिलते हैं उसमें ये तीन चक मुझे मिलते हैं। इसमें ये 8 mm का चक है, ये 6.35 mm का चक है, और ये वाला जो लास्ट में है ये वाला 6 mm का चक है। तो मुझे अगर कोई भी बिट ऐसी मिल जाती है जो 8 mm की है या 6.35 mm की है या 6 mm की, तो मैं उनको इसमें यूज़ कर सकता हूँ। तो जो मैं बिट लेके आया हूँ, जो मैंने सेपरेटली परचेज़ करी है, वो 6.35 mm की। मैं सोच रहा था ये 8 mm के हैं, लेकिन ये बेसिकली 6.35 mm के हैं। 6.35 mm का जो चक है कंपनी इसके अंदर लगाकर हमें इस तरीके से देती है। तो ये 6.35 mm का चक है, इसको हमने यहाँ पर इंसर्ट किया, इस बोल्ट को हमने यहाँ पर लगा दिया हल्का सा, और उसके बाद में कोई भी एक ऐसा बिट जो आपको, जिससे आपको काम करना है, वो इसमें इंसर्ट करेंगे। ये इसके अंदर फिट हो चुका है, और जब इसको आप फिट कर लेंगे उसके बाद ही आप गार्ड को लगाएं, अदरवाइज़ इसके ये जो ट्रांसपेरेंट का प्लास्टिक का जो इसका गार्ड है वो टूटने के चांस होते हैं। आप यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको फुल टाइट कर दें ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और बना रहे। और इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये मैंने इसके अंदर सप्लाई ऑन कर दी है, अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत स्मूथ चलता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि एक मशीन हमारे हाथ में चल रही है। बहुत स्मूथली ये चल रहा है, नॉइज़ नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर बिल्कुल भी कोई मुझे इशू नज़र नहीं आया इसकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर और इसकी रनिंग में, परफॉर्मेंस में, जितना मैंने चेक किया है उस हिसाब से ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जो लोग छोटे मोटे डाइव प्रोजेक्ट करते हैं उनके पास तो ये होना ही चाहिए। बहुत हैंडी है, काम करने में आसान है, हल्का है और स्मूथ इसकी रनिंग है। वाइब्रेशन, नाम के लिए वाइब्रेशन मैं कहूँगा, नहीं है। बस यह है, इसके साथ एक मिसएडवांटेज ये है कि इसके साथ वो लोग एक भी बिट आपको एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, इसके साथ में नहीं देते हैं, बस चक देते हैं 8 mm, 6.35 mm और 6 mm का। इसके अलावा आपको अगर ये बिट वगैरह चाहिए तो ये अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी, जो 400-500 से कम नहीं आएगी अगर आप 4-5 लेते हैं तो अगर ये सस्ता भी है तो भी ये महंगा हो जाता है, क्योंकि इसके साथ हमें बिट अलग से ख़रीदनी होती हैं। तो दोस्तों ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है, इसके जो प्राइस हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसका रीज़न यही है कि हर दुकानदार अपना मार्जिन कम ज़्यादा रखता है, और हो सकता है जितने का मुझे मिला उतने का आपको ना मिले या उससे कम का आपको मिले और फिर बाद में एक कंट्रोवर्शियल मैटर बने। तो बेटर यही है कि आप जहाँ से भी लें, देखभाल के लिए, सोच समझ के लिए, बार्गेनिंग करके लें। इतना मुझे पता है कि जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं आप इसको उनसे कंपेयर कर सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के मामले में। ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसे चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। नो डाउट मैं इनको कंपनी के पावर टूल्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जब वो मुझे नहीं मिल पाया तो मुझे कोई ना कोई तो लेना था, क्योंकि मैं डाई प्रोजेक्ट पे काम करता रहता हूँ। साथ में इस मशीन के साथ में कुछ ये टूल्स आते हैं, सॉरी अटैचमेंट आते हैं, इनको कैसे अटैच किया जाता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बोल्ट है, आप सबसे पहले इस बोल्ट को यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद में ये जो इसका एक अटैचमेंट मिला है, मेजरिंग टूल कह सकते हैं इसको, मेजरिंग पार्ट है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये फिट हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अब आपको जितनी ज़रूरत है उतने इसको इस मेजरिंग पार्ट को आगे पीछे कर अपना ले सकते हैं। उसको यहाँ से टाइट करेंगे और फिर इस तरीके से आप यहाँ पर
कोई स्केल वगैरह रखेंगे लाइक दिस, और जब आप ऐसा करेंगे तो और इस तरीके से ये नीचे से ग्रुपिंग करना शुरू कर देगा। तो ये ऐसे करके फिट होता है। अब आप इसको आगे पीछे जितना भी आपको चाहिए, जितना भी मेजरमेंट पार्ट आपको रखना है उतना रख सकते हैं इसकी सहायता से। तो ये एक मेजरिंग पार्ट है। तो चलिए अब दूसरा इसके साथ जो मेजरिंग पार्ट मिलता है उसको लगा के हम देख लेते हैं। ये बहुत इजीली इसमें फिट हो जाता है। आप इसको टाइट कर लिए, जितना आगे पीछे आपको रखना है उतना आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पार्ट है ये जब के लिए है जब आप आगे से किसी बैरिंग लगे हुए बिट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कोई ऐसा बिट लगाते हैं इसमें जिसमें बैरिंग ना हो, आगे से लंबा व फ्लैट हो। तो ये हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब ये वाला बिट इसके अंदर हमने फिट कर दिया जिसके आगे बैरिंग नहीं है, तो अब इस वाले अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से लेंगे और यहाँ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में इस वाले एक यहाँ पर बैरिंग है, इस बैरिंग को इसकी सहायता से इसको सेंटर में लेंगे इसके। अब देख सकते हैं सेंटर में आ रहा होगा। जब ये सेंटर में आ जाएगा तो यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। ये हमने इसके अंदर फिट कर लिया है। तो अब इससे ये होगा जब भी हम जैसे कि हमें किसी भी चीज़ को ट्रिम कर रहा है तो ये उसको एक लिमिट देगा कि इससे नीचे ये नहीं जाने देगा और इस ब्लेड को भी नीचे नहीं जाने देगा, ये अपनी जगह पर ही काम करेगा लाइक दिस लाइक दिस। ये जो बैरिंग है ये इसको नीचे नहीं जाने देगा ब्लेड को, और ब्लेड का ये हिप जो ब्लेड का सॉरी बिट का जो ब्लेड है वो उतनी हिस्से को ट्रिम करेंगे, फ्लैट करेंगे जितना ये बैरिंग इसको नीचे जाने देगा। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट नीड के हिसाब से इस टूल्स को आगे पीछे नीचे नीचे ऊपर करना है, जितना हमें थिकनेस रखनी है। उसके बाद में आप जब इस ब्लेड को बिट को यूज़ करेंगे तो लाइक दिस ये यूज़ होगा। ये बैरिंग इस ब्लेड को जितना आपने सेट किया उससे नीचे नहीं जाने देगा। तो इस प्रकार से कुछ ये अटैचमेंट काम करता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये था रेली वुल्फ कंपनी का ट्रिमर जो कि 600 वाट का था और 30,000 आरपीएम पे काम करता था। ये बिना वाइब्रेशन के स्मूथली वर्क करता है और बहुत वाजिब दामों पर ये मार्केट में ऑफलाइन अवेलेबल है। आप इसको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट कह सकते हैं। इसका हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है, मुंबई के अंदर, और ये कोलैबोरेशन इस कंपनी का है यूके बेस्ड वुल्फ कंपनी के साथ में, जो 1952 या 58 से कृषि इक्विपमेंट और पावर ये इस तरीके के टूल्स वगैरह बनाते रहे। इस वीडियो को बनाने का बस एक ही उद्देश्य था कि एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचे, लोग उसके बारे में जान पाए। जैसे कि मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यूट्यूब पे जाकर देखता हूँ कि मुझे कौन सा जो चीज़ मुझे लेनी है तो किस कंपनी की ली जाए। तो जैसे R&D मैं करता हूँ वैसे और भी बहुत सारे लोग करते होंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए ये बहुत वाजिब दामों में एक मार्केट में एक रेली वुल्फ कंपनी अपने पावर टूल्स बना के बेच रही है। नो डाउट मैं इनको कंपनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसके पावर टूल्स का, उनकी परफॉर्मेंस का, उनकी बिल्ड क्वालिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी कंपनियां हैं जो वाजिब दामों में अच्छे प्रोडक्ट पावर टूल्स वगैरह बना रही हैं तो उनको एक फ़ैन होने के नाते मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूं। तो जो चीज़ अच्छी होगी मेरे बजट में होगी और काम अच्छा करेगी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वाजिब दाम होंगे, तो मैं उस चीज़ को परचेज़ करूँगा एज़ पर माई नीड। और उसके बाद में उसका एक वीडियो बनाकर, ओपनिंग वीडियो, परफॉर्मेंस वीडियो बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट भी करूँगा, ताकि लोग जो R&D करते हैं टूल्स लेने से पहले उनको भी पता लगे कि एक ऐसी ऐसी कंपनी भी है, ऐसे ऐसे पावर टूल्स भी हैं और वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो करीब से कुछ ऐसे दिखते हैं। तो दोस्तों ये था रेली वुल्फ कंपनी का ट्रिमर जो 600 वाट का है और 30,000 आरपीएम पे काम करता है। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए पावर टूल या हैंड टूल के साथ में। जय हिंद।